आप हमारे चैनल को YouTube में आसान उपाय नाम से सर्च कीजिए, हमारे वीडियो में जाइए, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन लिखा है उस बटन को आप दबा दें और पास ही जो घंटी है उसको भी आप क्लिक कर दें। ऐसा नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। जिस किसी पर इनकी कृपा हो जाए बस उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मगर दोस्तों, भगवान शंकर जितना व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, अगर उसी प्रकार अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो भगवान उसी प्रकार उसको दंड देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए शिव पुराण के अनुसार किन कामों को करने पर भगवान शंकर नाराज हो जाते हैं और वह हमें दंड दे सकते हैं, इन बातों पर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आता है किसी की शादी तुड़वाना। क्योंकि दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अगर जो भी व्यक्ति अपने सुंदर वर के लिए प्रार्थना करती है, भगवान भोलेनाथ उसकी शादी करा देते हैं। मगर दोस्तों, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी की शादी तुड़ाने का प्रयास करता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर रुष्ट हो जाते हैं और उसको दंड भी दे सकते हैं। इसमें ही दूसरा काम है झूठ बोलना। दोस्तों, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलकर किसी गलत काम में लिप्त होता है या झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे उस व्यक्ति पर कभी न कभी ऐसी आपदा लेकर आते हैं वह व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तीसरा काम है धोखे से पैसे कमाना। दोस्तों, जो व्यक्ति चोरी से पैसे कमाता है या अपने व्यापार में किसी व्यक्ति को धोखा देता है या धोखे से किसी प्रकार की कोई मुद्रा अर्जित करता है तो वह मुद्रा उसी न रूप से उस व्यक्ति से वापस निकलती है, चाहे वह बीमारी से निकलो या ग्रह क्लेश से निकलो या चोरी लूटपाट से उससे वापस निकलो। दोस्तों, यह काम करने से भगवान शंकर आप पर किसी न किसी रूप से दंड अवश्य देते हैं। चौथा काम है गलत कामों में लिप्त रहना। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थी को अपमान करके अन्य कामों में गलत कामों में लिप्त रहता है, जैसे कि अन्य जैसे काम वैश्यावृत्ति होते हैं, शराब मांस मदिरा का सेवन होता है, उस व्यक्ति पर भगवान हमेशा नाराज रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा शाकाहारी बनना चाहिए तथा गलत कामों को हमें त्यागना चाहिए। जो दोस्तों व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है उस व्यक्ति पर भगवान शंकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अनावश्यक कार्यों में एक दूसरे की बुराई करता है, अर्थात कि जिसे उसे कुछ फायदा न हो, केवल वह अपने कुछ क्षण की मजा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की बुराई करता है, झूठ बोलकर किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, उस व्यक्ति पर भी भगवान शंकर सदैव के लिए रुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा काम ना करें जिसे भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।